हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। आप सभी को YouTube पर कैसे बैनर बनाएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस तरह का बैनर जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कैसा बैनर आपको बनाना सिखाएंगे, इस तरह का आपको बैनर बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही धमाकेदार है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके आप इस बैनर को बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीकों से। और आप इस बैनर का फाइल लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं पूरा फाइल को। जी चलिए और देखते हैं कैसे यूट्यूब का बैनर बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोड ओपन करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट फाइल पर लेना है, जो नाम से बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप वो नाम से यहाँ पे डाल देंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि बैनर का साइज होता है 2560x1440 पिक्सल और यहाँ पे रेजोल्यूशन ले लेंगे 72, यहाँ पे ले लेंगे साइज 2560x1440। ओके यहाँ पे मैं ले लिया। अब इसमें एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ओके एक तो और रेक्टेंगल ले लेते हैं। इससे आप साइज देंगे डेस्कटॉप का जो कि 2560x423। ओके अब इसे सी और ई मतलब करेंगे सेंटर में। फिर और रेक्टेंगल ले लेंगे जो कि इसका साइज रख करेंगे कितना 1855x423। ओके इसमें भी सी और ई कर देंगे जो कि सेंटर में जाएगा। एक और रेक्टेंगल लेंगे जो कि इसका करेंगे 1546x423। ओके यहाँ पे आप सभी को ले लेंगे तो सी और ई कर देंगे सब सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो रूलर है इसको उठा के आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। ओके और इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे क्यों ये क्यों रखा जो कि अब काम मुझे मेन जो काम है इसी के अंदर करना है जो मैं रखा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को काम सिर्फ इसी के अंदर करना है जैसे कि देखा है उसके अंदर। चलिए अब यहाँ पे पहले बैकग्राउंड मैं यहाँ पे व्हाइट रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट में ही अब डिजाइन करेंगे। पर सबसे पहले यहाँ पे तो मैं फोटो लेके आता हूँ, ये रहा फोटो। अब फोटो का जो साइज रखेंगे अपना जो साइज बनता है वो साइज आप रखिएगा। ओके ओके अब इसे कंट्रोल सी ई कर देंगे जो कि सेंटर में चला जाए। ओके ये सेंटर में आ चुका है, देखिए अब क्या करेंगे आप डिजाइन करेंगे। चलिए लोगो यहाँ पे लगा दिया, अब क्या क्या डिजाइन करेंगे देखते हैं। वो भी पहले कुछ लिख लेते हैं उसके बाद डिजाइन करते हैं। पहले फॉन्ट को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, एक दो फॉन्ट है उसके अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं फॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया हूँ, अब यहाँ पे लिखते हैं AN Fonts। ओके अब जिस तरह बड़ा कर लेते हैं 72 100 सही है, इसे भी 100 कर लेते हैं सही है। अब इसमें देखते हैं कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है, वो फॉन्ट लेंगे यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर ने इस तरह का रहा है फॉन्ट, क्या सही है, इसमें भी स्टोर लेते हैं इस तरह का फॉन्ट आ रहा है स्टोर में। और कौन कौन फॉन्ट है देख लेते हैं, रेस स्पॉट देखते हैं, रेस स्पॉट इस तरह लग रहा है और है एक ड्रामा ड्रीम। ओके सॉरी ड्रीम तो यहाँ पे लॉक नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे कौन दोनों में से अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हैं, मुझे यहाँ पे स्टोन ही सही लग रहा है। ओके यहाँ पे स्टोन के फन को इधर रखेंगे और स्टोन के एन को इधर रखेंगे और यहाँ पे फन को इधर रखेंगे। ओके सही है, यहाँ पे इस तरह का डिजाइन कर लिया। अब इसके बारे में यूट्यूब पर क्या चीज के बारे में वीडियो डालना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं डाल देता हूँ ब्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट। अब इसे थोड़ा 100 कर लेता हूँ, 100 बहुत बड़ा हो गया, 56 58 सही है ब्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट। अब इसमें रेस स्पोर्ट को रखते हैं यहाँ पे सही नहीं है एंड टोन को रखते हैं यहाँ पे वो उसके लिए भी सही नहीं, इसके लिए यहाँ पे लेमन को रखते हैं से इसको छोटा कर दिखा रहा 24 36 36 सही है। अब स्टोन रखते हैं बहुत बड़ा हो रहा है, लेमन ठीक है लेवन ये सही है। ओके इस तरह से मैं यहाँ पर रख दिया। अब चाहे तो इधर अपना चैनल का नेम एंड ये सब चीज रख सकते हैं, चलिए उसे रखते हैं। इंस्टाग्राम ट्विटर चैनल जो भी एक्स्ट्रा हो उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक आते हैं आइकन्स को, डेस्कटॉप में जाएंगे यूट्यूब बैनर या तीनों बैनर को उठाएंगे आइकन को उठाएंगे यहाँ पे लेके आएंगे। अब तीनों का साइज देंगे यहाँ पे
100 by 100 या 150 by 150 ओके, ये भी 150 by 150 दे देते हैं, इसे 100 करते हैं, इसे भी 100 करते हैं, सही है, वो यहाँ पे लिखा है, सही है। अब यहाँ पे लिखते हैं एट रेट चैनल का रेट के, अब यहाँ पे ले लेते हैं सबका लेमन टोन, ये लेमन सही है, तब में लेमन ले लेते हैं, लेमन लेमन सब करते हैं कितना 36 48 36 36 36 एंड 36 सही है। अब इसमें डिजाइन करेंगे, यहाँ पे इस तरह ले लिए, अब इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज रखना चाहते हैं ऑरेंज रख सकते हैं, और यहाँ पे ये सबको ग्रीन रख सकते हैं, ग्रीन नहीं रेड, रेड भी सही दिए, ब्लू ब्लू सही नहीं है, रेड सही है, रेड से आप कौन सा कलर रखें तो नहीं रखेंगे, ब्लू नहीं रखेंगे, ग्रीन भी नहीं रखेंगे, ये सही है ओके। इतना तक तो हो चुका है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेंगे ओके, रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, एक टूल में जाएंगे कर लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। अब एक यहाँ पे सर्किल ले लेंगे, इससे पहले फिल कर लेते हैं येल्लो से, अब इसके अंदर एक सर्कल ले लेते हैं, सही है, ये सर्कल ले लिया मैंने, एंड इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर और छोटा सर्कल जाएगा बस, अब इसके अंदर बैग नहीं, और इसे वाइट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्या कटिंग। अब यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, टू पॉइंट लाइन, यहाँ से आपको जो कि क्वाड्रेंट मिलेगा, यहाँ से शिफ्ट दबा के यहाँ पे आपको ले आना है, और यहाँ से भी आपको क्वाड्रेंट मिलेगा, शिफ्ट दबा के यहाँ से आपको लेके आना है यहाँ तक ओके। इसको जो कि 3px और इसे भी 3px कर लेते हैं, और वाइट रख लेते हैं, और इसे भी वाइट रख लेते हैं, यहाँ पे आप सही है, इसे कर देते हैं बैक कंट्रोल पेज डाउन, सही है कंट्रोल पेज डाउन सही है। अब इसे कंट्रोल जी कर देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं पहले, कंट्रोल जी नहीं इसे करते हैं के, कंट्रोल जी, अब रोटेट कर लेते हैं इसे, इसे कहाँ पे रखना है इसे आप सही तरीके से रखें क्योंकि अच्छा वक्त है के, यहाँ पे करते हैं पावर क्लिक, इसके अंदर ग्रेट जी फिनिश, ये हो गया एक, चलिए यहाँ पे दो स्क्वायर लेते हैं, पहले स्क्वायर के ब्लैक एंड ऑरेंज दोनों को करते हैं ये, और कंट्रोल जी एंड यहाँ पे इस तरह से डिजाइन कंप्लीट, और एक छोटा सा यहाँ पे ये इस तरह कर लेंगे, इसमें रेड का फिलअप कर लेंगे, एंड यहाँ पे इस तरह से लेके आए यहाँ पे इसको कर रहे थे पावर क्लिप इन साइड ओके, लड़का जो फाइनल हो चुका है। अब चलिए जैसे कि यहाँ पे इस तरह का तीन ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों को कलर फिल करता है ऑरेंज एंड अनग्रुप, इसे मैं करता हूँ क्या यहाँ से इस तरह से के, अब इससे यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रॉप में जाना है, वर्चुअल सेगमेंट पर जाना है, ऑरेंज ये सेगमेंट है, इसको ऊपर नीचे करना है कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं लेके आ गया ओके, रोटेट करते हैं और रोटेट करते हैं बस कंप्लीट, एंड इसे करते हैं पावर क्लिप पावर क्लिप पावर क्लिप ओके फाइन, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक रेक्टेंगल लेते हैं पहले, इतना बड़ा, इसमें ब्लैक फिलअप एंड जैसे कर दिया, अब इसको ले आते हैं यहाँ पे रोटेट करते हैं, रोटेट किया एंड इसमें पावर क्लिप करेंगे, अब इसके अंदर दो बनाएंगे इस तरह से ओके, एंड बड़ा करेंगे उधर कंट्रोल डी करेंगे कंप्लीट, इस तरह से कंप्लीट ओके। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसे रखते हैं थोड़ा रोटेट करके, यहाँ पे ऑरेंज फिलअप कर लेते हैं एंड इस तरह से इसको भी पावर क्लिप कर लेते हैं ओके, पावर क्लिप कंप्लीटेड, एंड यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से लाइनिंग कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ले लेंगे
स्मार्ट फील दोनों को यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ रेड। अब जो बचा इसके अंदर कर लेते हैं रेड। अब जो इसमें बचा कंट्रोल पेज डाउन इसे कर लेते हैं अंदर। ओके एडिट पेज डाउन फिनिश। ओके अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं, पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ड्रॉ कर लिया कर लिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं ऑरेंज, यहाँ पे करते हैं एडिट एंड एडिट फिनिश। बच्चा है तो यहाँ पे टेन कर लेते हैं दो और टेन कर लेते हैं टू से करते हैं से करते हैं नब्बे से करते हैं 180 इससे बड़ा होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके एंड शो करते हैं प्रोजेक्ट से करते हैं डिलीट एंड इस तरह से किया इस तरह से एंड इसके अंदर चलते हैं एडिट में से करते हैं कॉपी डुप्लीकेट डुप्लीकेट और भी यहाँ पे इसको ले आते हैं। ओके शो करते हैं डुप्लीकेट रोटेट करते हैं वर्टिकल कंट्रोल पेन अप फिनिश एडिट। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है मेरा बैनर। देखिए इस तरह से आप बैनर बना सकते हैं पूरा एवं क्वालिटी से। जी हाँ चलिए आज के वीडियो में यही भी सब करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।